दोस्तों आज हम कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निकली नई भर्ती के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जो कि ऑल इंडिया में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप किसी भी राज्य से हो तो आप इसमें जो है वो आवेदन कर सकते हैं। निःशुल्क आवेदन दोस्तों, आपको 1 भी रुपया शुल्क नहीं देना है। चयन इंटरव्यू के आधार पर आपके होने वाला है दोस्तों। सैलरी, आयु सीमा, संपूर्ण जानकारी आज आपको देने वाले हैं, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी के अपडेट और सरकारी योजनाओं की जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो 100% आपको सही जानकारी दी जाती है, कोई झूठी जानकारी नहीं दी जाती है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारी वेबसाइट पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। वेबसाइट का नाम है gornews24, उस पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगी, जिस पर आप ज्वाइन जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो की लिंक भी शेयर कीजिएगा। अगर ये आपके काम की भर्ती नहीं है दोस्तों, तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि किसी ना किसी को इस भर्ती की तलाश रही है दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है हमारी यूट्यूब चैनल होने के साथ साथ वेबसाइट भी है। वेबसाइट पर हम हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट करते हैं, तो आपको चले जाना है वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है gornews24। gornews24 लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों, तो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो दिख जाएगी। यहाँ पर आपको फॉलो का ऑप्शन दिया जाएगा हर एक वैकेंसी के अपडेट के लिए, यहाँ पर इसे जरूर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सीनियर रेजिडेंट सहित अन्य पदों पर भर्ती निकले, एज लिमिट 69 साल, सैलरी 2 लाख तक आपको मिलेगी दोस्तों। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने 50 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली। उम्मीदवार कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ऑफिशियल वेबसाइट esic.gov.in के माध्यम से आवेदन जो है वो कर सकते हैं। पद कौन कौन से पद रहने वाले हैं दोस्तों, तो इसमें सीनियर रेजिडेंट सहित अन्य पद होने वाले हैं। अगर हम प्रारंभिक तारीख यानी कि आवेदन इसके 27 नवंबर 2024 से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी लास्ट तारीख दोस्तों इसकी लास्ट तारीख 10 दिसंबर 2024 रखी गई है, ठीक है। आवेदन शुल्क की बात करें तो दोस्तों एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सभी के लिए निःशुल्क आवेदन यहां पर रखा गया है। टोटल पदों की अगर हम बात करें तो दोस्तों 59 पद यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए जानते हैं कौन कौन से पद हैं। पहला सुपर स्पेशलिस्ट का है, डेंटल सर्जन का है, सीनियर रेजिडेंट का है, और सीनियर रेजिडेंट 1 साल का कार्यानुभव का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल 6 पद पांच पद देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो आयु सीमा की अगर हम बात करें तो सुपर स्पेशलिस्ट के लिए 69 साल है, स्पेशलिस्ट के लिए भी 69 साल है, और डेंटल सर्जन के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 45 साल है, और सीनियर रेजिडेंट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी 45 साल है, और सीनियर रेजिडेंट के लिए भी 45 साल आयु सीमा जो है वो मैक्सिमम रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, तो आपको पीजी डिग्री के साथ 3 साल का अनुभव होना चाहिए, या पीजी डिप्लोमा के साथ 5 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पीजी डिग्री डिप्लोमा के साथ 1 साल का है, 2 साल का, 3, अगर आपके पास अनुभव है चाहे वो 1 साल का है, 6 महीने का, आपको इसमें आवेदन जरूर कर देना, क्योंकि ऑफलाइन आवेदन है दोस्तों, ठीक है। निःशुल्क आवेदन, आपको इसमें 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है, तो आपको आवेदन जरूर से कर देना। डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों आपके पास 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मार्कशीट, उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड आपको जरूर इसमें जो है वो लगने वाला है। सैलरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों सुपर स्पेशलिस्ट को 2 लाख रुपए प्रतिमाह दी जाएगी, सुपर स्पेशलिस्ट को 1 लाख रुपए प्रतिमाह दी जाएगी, स्पेशलिस्ट को 60,000 रुपए दी जाएगी, डेंटल सर्जन को 60,000 रुपए दी जाएगी प्रतिमाह, सीनियर रेजिडेंट को 67,000 रुपए प्रतिमाह जो है वो सैलरी देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको इंटरव्यू के बेस पर, ठीक है, इंटरव्यू के बेस पर आपका जो है वो सिलेक्शन होगा इसमें, तो आप जरूर से आवेदन करिएगा। अब आवेदन किस प्रकार से करना है वो अगर हम आपको बता देते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको जाना है esic.gov.in पर आपको चले जाना है। होम पेज पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नए पेज पर पहले क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। मांगी गई जानकारी दर्ज करना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो फीस है वैसे तो निःशुल्क है, इसलिए फीस अगर मांगते हैं नहीं मांगेगा, ठीक है। फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर आपको आगामी भविष्य के लिए रख लेना है। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर ये देखिए हमारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ऑफिशियल वेबसाइट है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो नोटिफिकेशन वाले लिंक पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम मंत्रालय टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका, ठीक है, ये आपको टोटल देखने को मिल जाएगा किस कैटेगरी कितनी पद है वो भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आवेदन निःशुल्क है, चयन इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है, तो जरूर इसमें आवेदन करिएगा। यहाँ पर आपको फॉलो का ऑप्शन दिख जाएगा, हमारी वेबसाइट को जरूर फॉलो कर दीजिएगा। और अभी यूट्यूब चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक जरूर ज्वाइन करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।